गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं और मेरे ठीक ही सामने है दूधसागर वाटरफॉल। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गाइस, होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आज हम जाने वाले हैं दूधसागर वाटरफॉल्स, जो कि है कुले में। कुले से कुछ एक 28 किलोमीटर अंदर है। सो वहाँ से हम लोग कुले से ट्रैक करके जाने वाले हैं और हम लोग गोवा ट्रैकिंग टीम के साथ जाने वाले हैं। और आज का डे है 14th of July 2019 और आज बारिश भी कुछ नहीं है। सो ये ट्रैक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये ब्लॉग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो विदाउट स्किप किए हुए एक ब्लॉग को अंत तक देखिए और चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, अभी ट्रैक स्टार्ट हुआ है। अभी बज रहे हैं 10 o'clock। हम लोग एक्चुअली पहुँचे थे अराउंड 8:30 को, लेकिन अभी ब्रेकफास्ट भी करके अभी स्टार्ट हुआ है ट्रैक। देखेंगे आगे का दिन कैसा जाएगा। और 28 किलोमीटर्स कुछ है ऐसा बोल रहे हैं, देखेंगे कितना है कुछ मालूम। बहुत मज़ा आने वाला है। सो इस वीडियो को आगे तक देखना मत भूलिएगा। चलो देखते हैं आगे। अभी तो बड़ी कड़ी धूप थी और अभी अचानक से बारिश हो गई है और यहाँ पे अभी चलने को भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ से अभी ट्रेन की पटरी से हम लोग जा रहे हैं, आई भी है ट्रेन आ रही है। अम्ब्रेला भी नहीं है, जो है तो देखेंगे आगे और ट्रेन आ रहे हैं। हम लोग अभी अराउंड शायद हाफ वे होगा और ज़्यादा चलना बाकी है। अभी बज गए हैं अराउंड 11:10 और शायद मे बी एक बजे के करीब कुछ पहुँचेंगे। अभी यहाँ से जंगल से रास्ता है। वेलकम टू द जंगल सिंगम। गैस हम लोग ट्रेन के रूट से आ रहे थे, अभी वो रूट ख़त्म हो गया है और अंदर जंगल से जा रहे हैं। देखेंगे कब पहुंचेंगे। ये तो हमारा ये है ना, ये बहुत पतला हो गया है, नहीं हो रहा है बोल रहा है अभी से। ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ से जाने पार करने के लिए नदी। ओहो सुशेगा मिल ले। ये है असली मज़ा ट्रैकिंग का। हो
हो गया है सेफ्टी से पार, अभी जा रही है आगे और, लेकिन मज़ा आया, नहीं मज़ा नहीं आया। चल रहे हैं, लेकिन अभी तक रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है और यहाँ पे एक व्यू अच्छा था दिखा है हमें, लेकिन आपको शायद इस कैमरे पे नहीं दिखेगा आपको। नहीं दिख रहा है, हाँ ज़बरदस्त है व्यू, लेकिन नहीं दिख, कैमरा पे तो नहीं दिख रहा है। चलो गाइस अभी आगे देखते हैं और कितने देर का सफ़र है, अभी तक पहुँचने हैं, थक गए हैं अभी से और जाके वापस आना भी है। अच्छा दिख रहा है ना, ऑसम, ये पूरे बादल जो है उस बिहाइंड मी, वो बादल पूरे feel what exactly is happening behind us. Yes, exactly. अगर आपको कुछ फील करना है यहाँ का ये एटमोसफियर तो यहाँ आपको खुद को आना पड़ेगा। By the way, अभी हम लोग जा रहे हैं वापस आई मीन कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रैक। वैसे हम शायद ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, अभी आपको दिखाता हूँ मैं पहला व्यू जो कि है दूर से दूधसागर का। ऑलमोस्ट इधर की तरह हवा शायद आ रहा होगा आपको, देखिए सही लग रहा है। फाइनली हम लोग यहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं और मेरे ठीक ही सामने है दूधसागर वाटरफॉल्स, अभी आपको दिखाता हूँ। पानी बहुत ज़्यादा है इसके लिए आगे तो नहीं जा सकते, यहाँ पे बहुत ही गाड़ियाँ भी गया हैं। ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको क्योंकि यहाँ पे खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है, ऐसे ऐसे खड़े हुए हैं हम लोग क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। गाइस अभी तो वाटरफॉल भी देख लिया है और वापस जा रहे हैं अपनी बस की तरफ। एक्चुअली हमने बस नहीं लाया है, गाड़ी लाया है, लेकिन वो लोग गोवा ट्रैकिंग की टीम है तो वो लोगों ने बस को चैलेंज किया था, वो बस से आए थे, हमने तो गाड़ी लाया। सो हम लोग वापस
जा रहे हैं कुल्ले की तरफ। अभी निकले हैं, सो मोस्टली और एक दो घंटा लगेगा यहाँ से। अभी बज रहे हैं 2:30, सो मे बी पहुँचेंगे 4:35 तक पहुँचेंगे वहाँ पे। सो देखेंगे आगे चल के जाना है कितने तक स्टेमिना कहाँ तक रहता है। चलो दें गाइस, हम वापस जा रहे हैं और ऑलमोस्ट हाफ द वे पहुँच गए हैं और एक अराउंड एक घंटा कुछ लगने वाला है यहाँ से। सो जल्द देखेंगे जल्दी पहुँचता है तो, क्योंकि अभी एक 13 किलोमीटर कुछ मे भी किया होगा ट्रैक, 13-13, 26 किलोमीटर कुछ किया होगा। पैर दुखने लगे हैं, एक्चुअली शूज़ पहना था सो शूज़ की वजह से पैर में गीला हुआ है ना, सो पैर में लग के थोड़ा थोड़ा ये जा रहा है, स्किन निकल रही है। सो देखेंगे जल्दी जल्दी पहुंचता है तो। अभी तक लंच भी नहीं किया है, बज रहे हैं 4 अराउंड जी, अभी लंच नहीं किया है हमने। अभी बोल रहे कि वहाँ पे जाके जहाँ से हम लोग आए थे वहाँ पे लंच कराएंगे, लेकिन अभी तो बज गए हैं 4, देखेंगे। अभी हमने तो स्नैक्स लाया था सो खा लिया थोड़ा थोड़ा। सो चलो गाइस आगे देखते हैं, बारिश भी आ रही है, मैं क्लोज करता हूँ ये। हाँ गाइस, हम लोग अभी ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, बज चुके हैं शाम के अराउंड 4:30 और अभी ऑलमोस्ट एक कुछ अराउंड 15 मिनट्स कुछ रह गया है, बाद में वहाँ से हम लंच करके निकल जाएंगे। और ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था और बारिश का भी सीज़न था, इसके लिए हमें बहुत अच्छा वाटरफॉल देखने के लिए मिला है। और आप भी कभी यहाँ पे आना चाहो तो बारिश के समय नहीं आए, क्योंकि बारिश के समय पे अच्छा रहता है, वाटरफॉल भी ज़्यादा पानी देखने के लिए मिलेगा आपको। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलो देन, बाय, सी यू।